हेलो दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर ऐसा कोई एंड्रॉयड बॉक्स बताइए। वैसे मैंने एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में पहले भी वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आई बटन है, इस साइड है या फिर इस साइड, आप देख लीजिएगा। आई बटन में ऑलरेडी मैंने उसका लिंक डाल दिया, वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। पर आज की वीडियो में जिस एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में बात करेंगे, बहुत ही कुछ यूनिक आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्यों, आपने देखो कि एम आई की जो एलईडी अभी हाल ही में लॉन्च हो रही है, उनके अंदर वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन दे रखा है, यानी कि रिमोट के अंदर एक गूगल वॉइस वाला ऑप्शन दे रखा है, जहाँ से आप डायरेक्टली अपनी वॉइस से पूरी एलईडी को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर किसी भी कंटेंट को प्ले कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में, जिसके अंदर ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, सस्ता भी है और आपको अपनी एलईडी चेंज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि एमआई के अंदर ये ऑप्शन है, तो हम क्यों ना एमआई की एलईडी परचेज कर लें, हमारी पुरानी एलईडी किसी और को सेल कर देंगे या फिर किसी अदर रूम में लगा देंगे। तो फालतू में खर्चा आपको करने की जरूरत नहीं है, तो आज की वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको परचेज करना है तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और परचेज कर सकते हैं। आप सोचेंगे ये कौन सी साइट है, बिल्कुल सही साइट है, आपके साथ कोई चीटिंग होगी नहीं, आप यहां से परचेज कर सकते हैं। मैं भी अपने बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है वो यहां से मैं मंगवाता हूं। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है, तो चलिए वीडियो करते हैं फटाफट स्टार्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो कर दे सब्सक्राइब, और पास में दे रखी उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे सबसे पहले। तो चलिए करते हैं वीडियो फटाफट स्टार्ट। अब बात करेंगे इस एंड्रॉयड बॉक्स के बारे में। इसका जो मॉडल नंबर है वो है A95X Pro। इसका मॉडल नंबर है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बनाया था, जो कि एक नॉर्मल बॉक्स था, पर इसके अंदर कुछ यूनिक आपको फीचर्स मिलने वाला है। वो प्रो नहीं था, वो ओनली 96 मॉडल था, वो ये 95 मॉडल है, पर इसके अंदर यूनिक फीचर्स आपको मिलने वाला है। आप पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं। उसकी प्राइस कम थी, इसकी थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, पर इसमें जो फीचर्स है बिल्कुल ही यूनिक है। इसके जो खास फीचर्स की बात करें सबसे पहले, तो वो है वॉइस कंट्रोल, यानी कि अपने वॉइस कमांड से आप अपनी एलईडी के अंदर सर्फिंग कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब ओपन करते हैं या फिर कुछ भी आप चलाना चाहते हैं, तो अपनी वॉइस कमांड से चला सकते हैं। ये काम करता है गूगल असिस्टेंट के थ्रू, उसी के थ्रू काम करता है, जैसे हम अपने फ़ोन के अंदर गूगल वॉइस का यूज करते हैं उसी के थ्रू ये काम करता है। एक नया फीचर है जो कि गूगल ने लॉन्च किया था, गूगल असिस्टेंट, उसी के थ्रू ये काम करता है। अब बात करेंगे इसमें आपको जो एंड्रॉयड वर्जन है वो कौन सा मिलने वाला है। 7.1 आपको यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन मिलेगा, और साथ ही साथ 2GB रैम और 16 यानी कि 16GB इंटरनल स्टोरेज। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा आप थोड़ा स्टोरेज और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें आप मेमोरी कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अपने मेमोरी कार्ड यूज करके आप 64GB तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल ही बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके सीपीयू की बात करें, तो इसमें आपको एम लॉजिक का S905W इसकी जो सीरीज है वो इसमें आपको सीपीयू मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको मिलने वाला है क्वाड कोर 1.5 GHz का प्रोसेसर, जो कि एक कोरटेक्स A53 प्रोसेसर है। बेस्ट आपको यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा, बेस्ट आपको यहाँ पर स्पीड मिलने वाली है। वैसे रैम भी ज़्यादा है, रोम भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको दिक्कत कोई आने वाली है नहीं, हैंग होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। और अब बात करेंगे इसमें वाईफाई की, आप वाईफाई से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाईफाई की यहाँ पर रेंज भी आपको अच्छी मिलने वाली है। अब बात करते हैं इसके पोर्ट की बात करें, तो इसमें आपको दो USB पोर्ट, एक TF फ्लैश कार्ड का पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट, एक LAN का आपको यहाँ पर पोर्ट मिलने वाला है। बेस्ट ऑप्शन है, आप यहाँ पर अच्छे खासे इसमें फीचर्स यूज कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं अपने घर पर LED नॉर्मल है या फिर कोई पुराना CRT मॉनिटर है, तो उसमें भी आप कनेक्टिविटी देकर इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। नॉर्मल किसी भी LED को आप यहाँ पर स्मार्ट बना सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। और कुछ हाइब्रिड स्मार्ट होगी, नॉर्मल स्मार्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाला है वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल के थ्रू आप अपनी LED को पूरा एक्सेस कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर दें। अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाएं और डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं या फिर आप चेकआउट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ख्याल रखें, टेक केयर और बाय बाय।